मैं शुक्रिया अदा करूंगा वो बाबा साहब का और महात्मा का, क्योंकि आप लोगों की जो पहचान है वो पहचान भारतवासी की कम और पंजाबी की ज्यादा है। अगर आप दिल्ली में आते हैं तो आपका एक क्षेत्र बना दिया है कि पंजाबी है, पंजाब से आया है, बस इतना है संबंध और कुछ नहीं। कुछ खराब बातें भी जोड़ी हुई है पंजाबियों के साथ दिल्ली के उसके पीछे के क्षेत्र में, क्योंकि परिवार हमारा बड़ा हो गया। रास्ते में जब हम आ रहे थे ये आधा आधा दरवाजा बंद कर दो, सिर्फ आधा ही खोलो, कुछ मैं छोड़ो आधा दरवाजा बंद। तो बात हुई कि पंजाब है कहां, कैसा पंजाब है जरा देख लेते। तो रास्ते में आते हुए एक नाम पड़ा आर्यन, आर्यन करके है ना, आर्यन 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 देखा होगा, आर्यन है शायद, आर्यन पूरा नाम उसका कुछ और है। और एक बड़ा पंज धेरा, पंज धेरा भी है, पंज धेरा मतलब पंज धेरा, धेरा है पुरानी काली भाषा पंजाबी में, वो अभी बनी है भाषा, वो पंज धेरा है। और एक बड़ा नागर, नागर नागर को ऐसे समझ लेते हैं तो कि नागर का मतलब नागर बहुत बड़ा सा, जिस शब्द के पीछे नाग लग जाए और जिस शब्द के बाद में नाग लग जाए और जो शब्द बीच में नाग आ जाए, इसका मतलब वो हमारे भारत का हमारा शब्द है। नाग का मतलब सांप नहीं होता, नाग का मतलब होता है यहां के लोगों का नाम, जिसको भारत में सांप बोला गया। इसलिए हमारी नागरिकता होती है, क्या होती है नागरिकता, हम नाग नहीं है मगर नागरिकता होगी। अगर हम नागरिकता है तो इस देश के वासी हैं, तो नागरिया है। और उसके बाद बोधि, आप जानते होंगे बोधि, बुद्ध का नाम पहला बोधि है, बोधि का मतलब ज्ञान है। और अगर हम इसको बोलते हैं बोधि यहां, बोधि ज्ञान पुरानी भाषा में बात कर रहे हैं, बोधि जिससे पंजाबी करिए, तो बोधि ज्ञान का मतलब है बोधि का ज्ञान। लोधी यहां को हम कह दे लोधी, लोधी यहां तो बन जाता है, क्योंकि सारे लोधी को लोधी को बनता गया, तो लोधी यहां। और अगर थोड़ा ठीक करते तो लुधियाना सारा आता है। और इससे आगे चलते हैं, कौन कहता है कि पंजाब में पांच नदियां फैली है, जरा नेट तो उठाओ, छह सतलुज से लेके और इंडस तक छह रिवर है, छह तो नाम होगा छह आप माने पानी है ना, अरे आप पानी बोलते हैं तो छह आप होना चाहिए था, मगर यहां तो पंजाब है तो नाम में कुछ गड़बड़ लग रही ना, ऐसे ही पढ़ाया जाता है, पर गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पुराना नाम क्या है इसका, गंधार, गंधार नाम है इसका गंधार। और गंधार में जब उन्होंने हमारे अशोक के समय का एरिया हटा दिया, एक रिवर उधर चली गई, पांच रह गई, तो शर्म के मारे बोलने लगे गंधार ही बोलते, गंधार बोलेंगे तो पता चल जाएगा बहुत बड़ा एरिया है गंधार, बड़ी कलाकृति है। तो कहने लगे पंजाब है पानी बहता है, और हमारे लोगों को समझाया पंचशील बहता है इसलिए पंजाब है, क्या बोले पंचशील बहता है इसलिए पंजाब है, तो हमारे लोग संतुष्ट हो गए कि चलो पंचशील बहता है, और किसी को कह दिया पानी बहता है। तो सारा का सारा जितना भी एरिया है बहुत होगा है क्योंकि आज जिस दिन के लिए यहां आप बैठे हुए हैं उस दिन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आप समझेंगे नहीं तो समझाएंगे कैसे, और समझेंगे नहीं समझाएंगे नहीं तो अपना राज और अपना शासन पाएंगे कैसे। और जानकारी लगातार बढ़ाते रहना है तब तक जब तक आपका शासन आपकी कुर्सी जैसे नियम ने कब्जा किया आपके कब्जे में ना। आज के दिन का नाम है धर्म चक्र पवर्तन दिन, पुरानी भाषा में बात कर रहे हैं, इतनी पुरानी भी नहीं है मगर संस्कृत से पुरानी है। संस्कृत का मतलब होता है संस्कारी भाषा, मॉडिफाइड भाषा, वो हमारी भाषा नहीं है, बना कर दिया
उसकी जो वंशज है वो राज करते हैं और जब उनकी सत्ता फटी जाती है लंबा कैसे कैसे फटी गई बताया था सत्ता फटी गई है जो राजा को वहां से खत्म किया गया है उसके बाद जितने भी राजा आते हैं सारे राजा निकम्मे नकारा बिल्कुल ऐसे शब्द जैसे उसको बोलते हैं इनकम्पिटेंट यानी वो इस लायक नहीं है कि वो राजा बन सके क्यों नहीं है क्योंकि वो जो राजा थे उस समय भारत सोने की चिड़िया भारत एजुकेशन का सबसे बड़ा हब भारत महान विश्व की यूनिवर्सिटियां सारे लोग बड़े हुए और जैसे ही वो राजा को मारा और आज का जो एजुकेशन जो तुमने दी थी वो गई वो चिड़िया भी उड़ गई वो पैसा भी उड़ गया और शिक्षा भी उड़ गई और वो निकम्मे राजाओं ने देश को छोटा करते 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 चले गए क्या चला गया हमारे हाथ से ईरान चला गया अफगानिस्तान चला गया कजाकिस्तान चला गया जितना है तो पाकिस्तान हो गया बन गया उधर बर्मा चला गया श्याम देश होते थे उसको बर्मा चला गया उधर नेपाल चला गया चीन का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया लेकिन कब लगा था वो सारे छूट गए होंगे तो इतना बड़ा बन गया और तुम बात करते हो कि तुम बहुत काबिल राजा हो तो राज किससे छोटा हो गया अभी यही बात नहीं थमी फिर छोटे 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 स्टेट फिर हमारे तन को तोड़ा फिर हमारे मन को तोड़ा हमारी जगह तोड़ी तो ऐसे राजा को कौन कहेगा कम्मा राजा पुरानी भाषा में भगवान तो कम्मा बोलो यानी कि जो मेहनत करता हो कमेरा का राज बोलते हैं कम्मा राजा कहा है तो निकम्मा राजा है तो राज हमारा निकम्मा और इसको जोड़ने का जो काम किया वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया क्योंकि उन्होंने फिर हमारे मन को जोड़ा कैसे मन को जोड़ा आपका मेरा मन मिला हुआ है ना आप मेरे भाई हो आप मेरी बहन हो आप मेरे छोटे छोटे बच्चों हो ना अब मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं आप मेरे परिवार का हिस्सा हो अगर बाबा साहब नहीं होते ना तो उनकी फिलोसफी होती तो थोड़ा मुश्किल होता उन्होंने तोड़ा बाबा साहब ने जोड़ दिया अभी तो हमें 6,500-7,000 की भावना तोड़ाया तो उनकी चार सौ का हमें कर दिया हम ये से हो तो धन चक पवत्तन दिन और सम्राट अशोक के नाम को थोड़ा सा सीखे सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या है प्रियदर्शी प्रियदर्शी मतलब प्रिय दर्शन जिसको देख के अच्छा क्या है चंड प्रचंड चंड प्रचंड अब चंड प्रचंड का तो बड़ा अजीब सा मामला हो गया क्योंकि हमारे यहाँ तो चंड चंडी का चंडा अगला बात कहते भैया बड़ा भार है हिंदी में मतलब क्या है बड़ा खतरनाक है बड़ा भार है मगर आप तो चंडीगढ़ में जाते हो चंडीगढ़ चंडी में एक देवी भी है तो चंडीगढ़ वाली जो देवी है वो बिहार देवी है बिहार देवी उसको बता दिया चलो वो भी मान लेते मगर एक राजा है अवंती का दुर्ग के समय उसका नाम क्या है चंड प्रजोग क्या है चंड प्रजोग अब राजा के घर वाले जब पागल हो गए थे कि इतना खराब बात करते राजा है और भारत पूरे विश्व में बटा हुआ है अवंती बहुत बड़ा स्टेट है और उसके राजा का नाम चंड है प्रजोग भी है तो राजा के घर वाले तो नाम अच्छा रखेंगे ना तो चंड का पाली है पुरानी भाषा में जो मतलब है वो है चंड चतुर तो आपकी जो चंडी देवी है वो चतुर देवी है आपका जो राजा है वो चतुर राजा है और प्रजोग का मतलब है आग जलता हुआ जिसमें दुष्टियां ये राजा का नाम है तो जितने भी चंड और चंडी का चंडाल है वो सारे सारे चतुर हो जाते हैं और काला कार्यपति हमारे हमारे लोगों के नाम हो गए इतनी सी बात है तो अशोक का नाम चंड प्रजोग भी है फिर क्या कहते हैं धम्म चक्रवर्ती बोलते ना तो है इसका मतलब है धम्म चक्रवर्ती पुरानी भाषा में धम्म का मतलब क्या है वो नियम जो भगवान बुद्ध ने मनुष्य को ठीक करने के लिए बनाए वो 12 नियम है जिनका एक चक्र है वो चक्र अगर उल्टा चलेगा तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी बिल्कुल बेकार और अगर हम उसको सीधा घुमाएंगे प्रवर्तित करेंगे पुरानी भाषा में उसके हिसाब से प्राकृतिक भाषा में तो वो हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी और धम्म का मतलब क्या है धम्म का मतलब धर्म से नहीं है धम्म का मतलब है प्रकृति से नेचर से नैसर्गिक से और कुदरत से यानी कुदरत के जितने भी कानून है उसको भगवान ने धम्म कहा तो धम्म का चक्र यानी चक्र चलाने वाला अब आगे जाते हैं क्या नाम है सम्राट सम्राट का मतलब हमारे लोग समझते हैं कि राजा महाराजा हो गया सम्राट का मतलब ये नहीं है सम्राट का मतलब है समरथ पुरानी भाषा में सम मतलब जो समुदाय का शासन चलाता हो और रथ माने राष्ट्र सम्राट अशोक कहते हैं जो समुदाय
से सत्य सिर्फ अगर लक्ष्य क्या कहूंगा सच सच सिर्फ अकलंग और आप इसको समझोगे सत श्री काल सत श्री अकाल क्योंकि पाली भाषा में जो सत है उसको सच बोला गया और पाली भाषा में क्षय गुण तो होता नहीं इसलिए वहां ये स्थिर है सत का मतलब है ऊंची अवस्था सत का मतलब है ऊंची अवस्था और अकलंग का मतलब है अकाल का मतलब है बीमार और निम्न अवस्था बीमारी आती है उसको अकलंग बोला तो क्या है संबोधन ये बात सच है कि जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा और ये बात हमेशा याद रखें इसलिए वो हिंदी में है सच की अकाल और पाली के अंदर है सच से अकलंग और जो आज का दिन है जिसको आप दशहरा कहते हैं उसका एक नाम भी है इसका नाम है अकलंग बोधेन अकलंग बोधेन
होता था क्योंकि पांच दिन बाद ये जो भेड़ है इनको पढ़ाने जाना, ये निकल जाएंगे फिर ये लौट के आएंगे 9 महीने बाद, वहां इनको पढ़ाना है। वो जो कसर नहीं है, जो कसर नहीं होगा हमारे माता रहे तो बच्चे पूरी तरह से पालन करते थे। उस कसर अरिया को, अरिया माने जो मार्ग है, उस दस अरिया मार्ग को बाद में दशहरा और ये हमारा फेस्टिवल है और उस वहां सबसे ज्यादा होता था ये पूरे भारत में आया और इसलिए हमारा परिवार हमारा त्यौहार है और सारे त्यौहार जो हमारे लोगों के इसलिए है क्योंकि जो हमारे घर में घुसा सबसे पहले आया कौन आया सबसे पहले जब हम सब लोग एक साथ थे तो कोई बाहर से आया तब तक हमारे पास में कोई बर्फ नहीं कोई जाति भी नहीं यहां जितने लोग बैठे हैं किसी की जाति नहीं जाति की बात तो छोड़ो किसी का वर्ण भी नहीं था कोई कहे कि कोई क्षत्रिय वर्ण होगा कोई कहे कि कोई अशूद्र वर्ण होगा वर्ण ही नहीं था तो जब वर्ण नहीं है तो वर्ण आया कहां से पहला वर्ण आना जब लोग इसमें भारत में घुसे तो हमारे लोगों ने कहा कि ये हम लोग जो है वर्ण वाले भारत के लोग लोग कहां गए भारत के सारे
अपने लोगों को इसकी अवस्था पहुंचाई क्योंकि वो जीवन धारण से बड़ा ज्ञान है। इसलिए जो भंग ज्ञान थे और जो भंग थे जो बड़े लोग थे आदि के अंदर भंग समझा होता है वो ये कहे कि भांग का पौधा खा के भांग का कोई पौधे का नाम सुने वो ये कहे कि भंग करना हुआ अवस्था थी कि ठीक है गर्म होता था वो छोटी बात उसको विमर्श बोलते हैं उसको भंग ना बोलते हैं भंग शरीर की अवस्था थी जिसको शरीर में काम तो वो बड़े ज्ञानी थे तो जितने चीजों के शब्द थे वो जैसे बने चूड़े चवा चपल दीवा दीवा कैसे बने जो बोधी जो धर्म को जानता है और धर्म की धर्म का अनुसरण करता है वो धर्म हो गया जो जीवन वाले लोग थे वो जीवन हो गए जो भंग ज्ञानी थे वो भंग हो गए जो लाल बेकमीन लोग ये लाल बेकमीन हो गए लाल कपड़ा पहनाने को कोई गम नहीं ये बहुत बेकमीन हो गए लाल बेकमीन हो गए ऐसे करते 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 जिन लोगों को अर्हत अवस्था प्राप्त हुई अभी आप जानते नहीं है उनको अहित हो गए और ऐसे करते करते सारे नाम वो नाम जो हमारे होते वो आगे इसलिए आप इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आपकी कोई जाति या आपका कोई वर्ण है आप सिर्फ और सिर्फ भारत के निवासी हैं भारत के मालिक हैं कोई जात को ऊंचा नीचा बता के कहे तो पढ़ ले आप और आपकी तारीफ हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि मेरा समय पूरा हो गया है धन्यवाद।